Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about International Day Against Drug Abuse and International Trafficking. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from health sector. First of all, let us understand the context of this article. Ye article aaj ke din akhbar mein aaya kyun hai? So aaj ka din, that is 26th June, is observed internationally as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. 1987 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास करके इस दिन को 26 जून को डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज. पर्पस था कि ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट की जाए और पूरे दुनिया भर में ड्रग अब्यूज को धीरे धीरे कम किया जाए. लेकिन अगर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 की माने तो पिछले 10 सालों में ड्रग अब्यूज के केसेस कई गुना ज़्यादा बढ़े हैं. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट देयर आर अबाउट 269 मिलियन ड्रग यूजर्स, मतलब लगभग 27 करोड़ लोग हैं जो ड्रग अब्यूज को पूरी तरह से एडिक्टेड हैं. और ये डाटा है 2018 का. और अगर कंपेयर किया जाए विथ नंबर ऑफ ड्रग अब्यूजर्स इन 2009 तो उसमें 30% इंक्रीमेंट देखा जा सकता है. मतलब 2009 में जितने भी ड्रग अब्यूजर्स थे, ड्रग एडिक्ट थे, उससे 30% संख्या और बढ़ी है बाई 2018 अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020. दिस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इज पब्लिश बाई यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसका पर्पस ही होता है ये देखना कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्रग एडिक्शन बढ़ रही है या घट रही है. अब देखिए, इस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के ओकेजन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मैसेज दिया है कि एडिक्शन इज नाइदर कूल नॉर ए स्टाइल स्टेटमेंट, क्योंकि उनको भी अच्छे से पता है और वो यही बात कह रहे थे इस स्पीच में भी कि ज़्यादातर जो यंगस्टर है, जो यूथ है, जो ड्रग एडिक्ट या ड्रग की तरफ जो अट्रैक्ट होता है वो इसीलिए होता है. उसको लगता है कि ड्रग अब्यूज़ करना कूल है, होता है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टाइल स्टेटमेंट. कॉलेज में अक्सर ये आदतें लगती हैं लोगों को. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सीधा सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं टू यूथ्स कि इट्स नाइदर कूल नॉर अ स्टाइल स्टेटमेंट. अब अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की जाए, इंडिया में किन किन एरियाज में ड्रग ट्रैफिकिंग के या ड्रग अब्यूज के केसेस ज़्यादा हैं, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, यानी कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, इन स्टेट्स में प्लस इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ड्रग अब्यूज के केसेस सबसे ज़्यादा हैं. तो कुछ तो कारण रहा होगा कि क्यों इन एरियाज में ही ड्रग अब्यूज ज़्यादा है. नॉर्थ ईस्ट का तो आपको पता ही है, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड ऑल्सो कि यहाँ पे ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ के केसेस ज़्यादा हैं. और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए तो आपने मूवी देखी रखी होगी उड़ता पंजाब, उससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग ही गया होगा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज़ आल्सो स्ट्रगलिंग विथ द केसेस ऑफ ड्रग अब्यूज़. और दोनों के पीछे कारण है, क्यों साउथ इंडिया में केसेस कम हैं, क्यों सेंट्रल या नॉर्थ इंडिया में भी रिलेटिवली केसेस कम हैं, उसके पीछे कारण है. नॉर्थ ईस्ट के अंदर ड्रग अब्यूज़ के केसेस ज़्यादा होने के पीछे कारण है ये नोटोरियस एरिया. ये एरिया जिसको कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, इसमें कुछ पार्ट म्यांमार का है, कुछ लाओस का है, कुछ थाईलैंड का है. ये एरिया में बहुत ज़्यादा ओपियम उगाया जाता है और फिर इलिसिट तरीके से जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे NSCN, खापलांग वगैरह, या बाकी सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो उसको इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लेकर के आते हैं. यही कारण कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड या फिर आप मणिपुर भी कह सकते हैं, वहाँ पर ड्रग अब्यूज़ के केसेस सबसे ज़्यादा हैं. उसके बाद आसाम के अंदर भी ड्रग अब्यूज़ के केसेस बढ़ रहे हैं. और ठीक वैसे ही जैसे इस साइड में है गोल्डन ट्रायंगल, दूसरे साइड में है गोल्डन क्रेसेंट. दिस ऑल्सो इज अ नोटेरियस प्लेस. गोल्डन क्रेसेंट का थोड़ा पार्ट अफगानिस्तान में, जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा पाकिस्तान में है. और यहां पे भी ओपियम बहुत ज्यादा उगाया जाता है और फिर यहां से ओपियम इलीगल तरीके से हमारे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में लाया जाता है. और जिस कारण से इस एरिया के जो यंगस्टर्स हैं उनको बड़ी आसानी से ये मिल जाता है. आपने अगर वो मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब तो आपने देखा भी होगा कैसे ये लोग इलीगल स्मगलिंग करने का किस किस तरीके का उपाय निकालते हैं. एक साइड से फेंक देते हैं बस,
मतलब डिस्टेंस थ्रोइंग की प्रैक्टिस करते हैं पाकिस्तान साइड से इंडिया साइड में ड्रग्स फेंकने के लिए। तो इस तरह के कई सारे ड्रग स्मगलिंग के केसेस होते हैं, और पीछे कारण है इसके प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन क्रेसेंट, और नॉर्थ ईस्ट में कारण है प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन ट्रायंगल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल्डन ट्रायंगल इज अ रीजन बिटवीन थ्री कंट्रीज, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, एंड इट इज़ द रीजन बिहाइंड राइजिंग ड्रग अब्यूज केसेज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बिकॉज द बॉर्डर इज क्वाइट पोरस। यहाँ पे नदियाँ, नाले, पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं, जिस कारण से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो आराम से इंडिया में इंटर कर जाते हैं। उसके अलावा गोल्डन क्रेसेंट मैंने आपको बताया पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के अंदर इट प्रोड्यूसेस मोर देन 90% ऑफ द इलिसिट ओपियम प्रोड्यूस्ड इन द रीजन। इनफैक्ट तालिबान के फंडिंग का वन ऑफ द मेन रीजन ही है इस गोल्डन क्रेसेंट एरिया से ओपियम उगना और उसको पूरे दुनिया भर में इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग करना। दैट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर फंडिंग ऑफ तालिबान। अब ड्रग अब्यूज़ क्यों खराब है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी एक बार देखते हैं। तो ड्रग अब्यूज़ से इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं। जो यूथ है हमारे देश का, एक तरफ वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता था और इकोनॉमी को ग्रो कराने में काम कर सकता था, सपोर्ट कर सकता था, दूसरी तरफ ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण वो इस पर डिपेंडेंट हो जाता है और वो इकोनॉमी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट तो नहीं कर पाता है, रादर वो इकोनॉमी के ऊपर एक तरह से लाइबिलिटी बन जाता है। दिस मीन्स वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ यूथ, यंग जनरेशन। यंग जनरेशन रादर दैन बिकमिंग अ डिविडेंट और अ काइंड ऑफ बून, इट बिकम्स अ बेन और काइंड ऑफ बिकम्स अ लाइबिलिटी और डिजास्टर। सिक्योरिटी इशूज भी हैं, जो लोग भी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, अब उनको पैसों की ज़रूरत होती है, और पैसों की जब ज़रूरत होती है और उतने पैसे मिल नहीं पाते हैं, तो दे इंगेज इन सम पेटी क्राइम्स लाइक चेन स्नैचिंग, या फिर कभी कभार दे इंगेज इन टू बैंक डकैती, या फिर ग्रुप क्लासेस, ईव टीचिंग, एंड समटाइम्स मर्डर एज वेल। और ड्रग ट्रैफिकिंग एक अलग प्रॉब्लम है। ये तो देखिए, ये तो पेटी इश्यूज हैं जो यंगस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। और सिक्योरिटी इश्यूज में एक दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दैट इज रिलेटेड विद ड्रग ट्रैफिकिंग। जो इंसर्जेंट ग्रुप इंगेज्ड हैं इस ड्रग्स को हमारे देश में लाने में, दे आर इंगेज्ड इन अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दे इंगेज यूथ इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एंड दीज यूथ्स आर ट्रेंड इन ऑर्डर टू क्रिएट केओस इन आर कंट्री एंड क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर इशूज। सोशल चैलेंजेस भी हैं। इसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ड्रग अब्यूज़ का वीमेन के ऊपर होता है, क्योंकि अगर मेल काउंटर पार्ट फैमिली का ड्रग एडिक्ट हो जाता है, तो उससे सबसे पहले तो इकोनॉमिक लाइबिलिटी वीमेन के ऊपर आती है। उसके अलावा जब वीमेन बाहर जाकर के जॉब करती है, पैसे कमाती है फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए, उसमें से भी कुछ पैसे वो जो मेल एडिक्ट है फैमिली का, वो यूज कर लेता है फॉर ड्रग अब्यूज़। उसके अलावा जो मेल एडिक्ट है, जो ड्रग एडिक्ट है, वो फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी करता है अगेंस्ट वीमेन। और उसके अलावा तो वीमेन आर डिस्पाइट नॉट बीइंग एडिक्ट, ज़्यादातर जो एडिक्ट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर विथ मेल्स, क्योंकि वो इन जनरल दे स्टे आउट, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है वीमेन पे और ओवरऑल सोसाइटी पे। जब वीमेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो सिनेरियो होता है वो पॉइजनस हो जाता है। तो वीमेन को एक तो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, और वीमेन जो भी अर्निंग करती हैं इन ऑर्डर टू मीट हर फैमिली नीड्स, उसका कुछ एक हिस्सा फिर वो ड्रग अब्यूज़ में चला जाता है। उसके अलावा देखिए, ड्रग अब्यूज़ में जो ड्रग एडिक्ट्स क्या करते हैं कि यूज सिरिंज का बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रग ऐसे डायरेक्टली वेन में लिए जाते हैं, तो यूज सिरिंज का इस्तेमाल करने में कभी कभार एचआईवी होने का खतरा रहता है। और फिर एचआईवी होने के बाद दीज मेल एडिक्ट्स पास द सेम डिजीज टू देयर वाइव्स। तो इस तरीके से वीमेन को हर तरीके से इम्पैक्ट उठाना पड़ता है, डिस्पाइट नॉट बीइंग डायरेक्टली अ ड्रग एडिक्ट। सो इट हैज़ इट क्रिएट सोशल इशूज एज वेल। हेल्थ इशूज तो हैं ही हैं, जो ड्रग एडिक्ट होता है ही और सी इज वल्नरेबल टू एच आई बी, हेपटाइटिस बी एंड सी, ट्यूबरकुलोसिस एंड मेनी अदर इन्फेक्शंस। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो वी नीड टू अडॉप्ट थ्री प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी, आपको सीधा सीधा लिखना है। सबसे पहले तो सोसाइटी बेस्ड सॉल्यूशन, समाज में हमें स्टार्टिंग से ही अवेयरनेस क्रिएट करनी है, स्कूल लेवल पे, फैमिली लेवल पे। जो यंगस्टर्स हैं, जैसे अभी कैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यंगस्टर्स को ये बात बताने की जरूरत है कि देखो इट्स नॉट अ कूल थिंग, इट्स नॉट अ स्टाइल स्टेटमेंट। उसके अलावा जो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको एनजीओज की मदद से उनको ड्रग अब्यूज से दूर रखना है, क्योंकि डेली वेज वर्कर्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो इतना मेहनत करते हैं,
ये एक फैक्ट है जो मैंने पर्सनली भी लोगों से बात करके समझा है, और ये अखबारों में भी आर्टिकल्स आते रहते हैं इससे रिलेटेड, कि डेली बेसिस पे वो इतना मेहनत करते हैं, इतना बोझ उठाते हैं, हार्ड फिजिकल लेबर के कारण रात को जो उनको पेन महसूस होता है, दैट समटाइम्स बिकम्स अनबियरेबल, और इस कारण से उस पेन को दबाने के लिए दे टेक सच ड्रग, दे इंगेज इन टू सच ड्रग अब्यूज। तो उस तरह के डेली वेज वर्कर्स को यह बात समझाने की जरूरत है, उसके लिए हमें एनजीओज को इंगेज करने की जरूरत है, जो सोशल एनजीओज हैं उनको इंगेज करने की जरूरत है कि डेली वेज वर्कर्स को समझाएं कि देखो अभी ड्रग अब्यूज करके तो तुम अपने पेन को दबा दे रहे हो, लेकिन बाद में तो अभी जो तुम कुछ काम भी कर पा रहे हो, अपनी फैमिली के लिए पैसे भी कमा पा रहे हो, वो भी काम नहीं कर पाओगे। सो सोशल बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है सोसाइटी से, उसके अलावा सरकार को जो लीगल प्रोविजंस उसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। दो तीन दिनों पहले मैं आपको बता रहा था कि एक कानून है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985, जिसके हिसाब से ड्रग जो सेल करने वाले लोग हैं या ड्रग अब्यूज़ करने वाले लोग हैं उनको 20 साल तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस कानून का इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो दैट लीगल इंप्लीमेंटेशन और इफेक्टिव स्ट्रिंजेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इंटरनेशनल एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हमें कोलेबोरेशन करने की जरूरत है, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कोशिश करनी है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, स्मगलिंग होता है, उन सब पे कंट्रोल लगाया जाए। इसके लिए आपको पता है कि FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, जो भी कंट्री ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है उस कंट्री के ऊपर वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान के ऊपर इशूज चल रहे हैं। तो इस तरह के जो हमारे इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं इन ऑर्डर टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सो तीन लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमें स्टेप्स लेने की जरूरत है इफ वी वांट टू फाइट अगेंस्ट द ड्रग मेनेंस। अगर आसाम के अंदर बात की जाए तो हाल फिलहाल में ये न्यूज में था, इसलिए एपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द आसाम पुलिस हैज स्टार्टेड एंटी नारकोटिक्स ड्राइव, जिसको नाम दिया जा रहा है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। कई सारे ड्रग पेडलर्स या ड्रग एडिक्ट्स को हाल फिलहाल में अरेस्ट किया गया और उनको अब रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। बहुत सारे एरियाज, बोंगाईगांव, साउथ सलमारा या चिरांग एरियाज में जहां पे इलीगल तरीके से ओपीएम उगाया जा रहा था, उस ओपीएम को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि आसाम के अंदर धीरे धीरे ये जो ड्रग अब्यूज के केसेस हैं वो कम होंगे आफ्टर दिस वॉर अगेंस्ट ड्रग्स बाई आसाम पुलिस। Please attempt this question based on this particular topic. You can submit the answer in the comment section. The next article is taken from international segment. It is about Hong Kong issue and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So Hong Kong के बारे में समझ लेते हैं। देखिए Hong Kong, इसकी पहले मैपिंग कर लेते हैं। एक छोटा सा टेरिटरी है Hong Kong यहाँ पे। अब देखिए चाइना के से ये साउथ चाइना सी में ओपन होते हुए छोटा सा टेरिटरी है जो मेनलैंड चाइना से एसोसिएटेड है। उसके अलावा कुछ एक आइलैंड्स हैं जो हांगकांग का हिस्सा है, जैसे आप देख सकते हैं लेनवतु आइलैंड्स या हांगकांग आइलैंड्स। सो कुछ टेरिटरी डायरेक्टली मेनलैंड चाइना से एसोसिएटेड हैं, एडजॉइंट हैं, कुछ आइलैंड्स भी हैं, टुगेदर दे आर नोन एज हांगकांग। और ये जो हांगकांग है इसका अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें तो यू विल नो कि लगभग 150 सालों तक 1841 से लेकर के 1997 तक इट वॉज अ ब्रिटिश टेरिटरी, लेकिन 1997 में ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर दिस हांगकांग टेरिटरी टू चाइना एज एन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को चाइना को देने से पहले कुछ एक कंडीशंस रखे। ब्रिटिशर्स ने हांगकांग वॉज ट्रांसफर्ड बाई ब्रिटिशर्स टू चाइना विथ अ कंडीशन। द कंडीशन वॉज दैट हांगकांग विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना। जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम चाइना के मेनलैंड में फॉलो किया जाता है, जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ फॉलो किया जाता है, वो हांगकांग में नहीं होगा। आपको पता है कि चाइना के मेनलैंड में डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहाँ पर कम्युनिस्ट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देर इज जस्ट वन पार्टी रूल नोन एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड दे डू नॉट फॉलो इन जनरल डेमोक्रेसी। तो मतलब लोग वोट करके अपने हेड ऑफ द स्टेट्स को चुने, इस तरह का डायरेक्ट सिस्टम वहाँ पे नहीं है। हाँ ग्रास रूट लेवल पे थोड़ी बहुत वो वोटिंग सिस्टम होती है, बट टॉप मोस्ट जो लीडर्स हैं दे आर नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट ऑफ द पीपल। तो इसलिए इस तरह के सिस्टम वहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम तो चाइना में नहीं है। ब्रिटिशर्स ने ये कंडीशन रखा कि हांगकांग के अंदर, ये चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वैसा हांगकांग के अंदर नहीं होना चाहिए। हांगकांग शुड बी अलाउड टू हैव डेमोक्रेसी।
और ये कंडीशन चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर चाइना की जो पार्लियामेंट है जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसने एक लॉ पास किया, उस लॉ का नाम रखा गया हांगकांग लॉ। और इस लॉ के हिसाब से बोला गया कि ठीक है, चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, हांगकांग का अलग होगा। वो बात अलग है कि हांगकांग विल बी पार्ट ऑफ चाइना, हांगकांग विल बी अ टेरिटरी ऑफ चाइना, बट द पॉलिटिकल सिस्टम विल बी डिफरेंट, बिकॉज इसी कंडीशन पे ब्रिटिशर्स ने ये टेरिटरी हांगकांग की चाइना को ट्रांसफर की थी। सो जो हांगकांग के लिए नया कानून बनाया गया उसके कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है जिसको देख लेते हैं। आर्टिकल 1 क्लियरली सेज दैट हांगकांग विल बी पार्ट ऑफ चाइना, बट आर्टिकल 5 सेज दैट कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ द मेनलैंड चाइना विल नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन हांगकांग, प्लस आर्टिकल 12 सेज दैट देयर विल बी ग्रेटर और हाइयर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू द हांगकांग। मतलब भाई ये हिस्सा होगा चाइना का, ब्रिटिशर्स ने चाइना को दे दिया, लेकिन यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम मेनलैंड चाइना की तरह नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर हांगकांग। और इसी सिस्टम को बोला गया वन कंट्री टू सिस्टम, कि भाई कंट्री एक ही है लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम दो अलग अलग होंगे। अब देखिए ये सिस्टम हांगकांग का 1997 से लेकर के 2012 तक बहुत पीसफुली फॉलो किया गया, वन कंट्री टू सिस्टम। हांगकांग के अंदर बहुत हायर लिबरल तरीके से डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती रही टिल 2012, 15 सालों तक। लेकिन फिर आए सी जिनपिंग, और सी जिनपिंग को लेकर के मैंने आपको कई सारे आर्टिकल्स इन पे कवर किए हैं, जहां मैंने आपको बताया है कि इनका जो लीडरशिप स्टाइल है वो काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी अथॉरिटेरियन टाइप है, और इसीलिए इनके लीडरशिप स्टाइल को या इनके अंदर जो डिप्लोमेसी है चाइना की, उसको कहा जाता है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। काफ़ी अग्रेसिव है चाइना पूरे दुनिया के खिलाफ। उनके अग्रेसिवनेस के कई सारे एग्जांपल्स भी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर करा दिया है, इन सेंस जो दो टर्म का लिमिट था प्रेसिडेंट का वो हटवा दिया है चाइना के अंदर से, तो ही कैन रिमेन प्रेसिडेंट एटर्नली। साउथ चाइना सी में वो क्या कर रहे हैं आपको पता ही है, 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दिया आर्बिट्ररी तरीके से, यहाँ पे आपको यू मस्ट बी नोइंग, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है कि यहाँ पे आर्बिट्ररी तरीके से 9 डैश लाइन ड्रॉ करके ये पूरी की पूरी साउथ चाइना सी को वो अपना बताते हैं, विच इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। इंडिया चाइना बॉर्डर पर आपको पता है गलवान वैली में क्या हुआ इतने सालों बाद, 1962 के बाद से पहली बार वहाँ पे हाई लेवल का वॉयलेंस हुआ है। दे हैव बीन कमिंग अप विथ स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू इनसर्कल इंडिया एंड क्रिएट ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी फॉलो हो रही थी हांगकांग में उसको भी थ्रेटन करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम को भी धीरे धीरे टिंकर करना शुरू कर दिया है सी जिनपिंग ने, क्योंकि ये अथॉरिटेरियन लीडर हैं, ये ही डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी, और जो भी बहुत पीसफुल सिस्टम था पहले उसको ये धीरे धीरे टैम्पर करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो किस तरह से टैम्परिंग शुरू की गई है वो भी समझिए। देखिए धीरे धीरे उन्होंने किया क्या कि ठीक है हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी होगी, होने दीजिए, हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होगा वहाँ के लीडर्स को चुनने के लिए, इन्होंने कहा होने दीजिए, लेकिन कंडीशन क्या लेकर के आ गए कि जो इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े होंगे, हांगकांग के अंदर जो इलेक्शन होगा उसमें जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे, दीज कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड बाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो भाई 5 लोग या 6 लोग जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उन सबको पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो मेनलैंड चाइना की ओनली पार्टी है वो अप्रूव करेगी कि भाई ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही वो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे इन हांगकांग और उसमें से एक इंसान चुना जाएगा। तो इनडायरेक्टली तो ये मजाक हो गया डेमोक्रेसी के नाम पे। आज अगर हमें कोई एक पार्टी या कोई भी एक सरकार बोले या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बोले कि बस यही 4 लोग प्रधानमंत्री के लिए खड़े हो सकते हैं, प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए दावेदारी रख सकते हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी थोड़ी हुई। हांगकांग के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी तो तब होगी जब लोग अपने मर्जी से अपने लीडर को चुने, लेकिन यहाँ पे द टॉप मोस्ट लीडर इज बीइंग डिसाइडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल 4-5 लोगों का दे देता है कि ये 4-5 लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें से जिसको चुनना है आपको चुन लीजिए। एंड दैट इज वाई द पॉइंट इज दैट द डेमोक्रेटिक ऑर्डर ऑफ हांगकांग वॉज tempered by Xi Jinping and that started or that led to widespread protest in Hong Kong. धीरे धीरे protest वहाँ होने शुरू हुए, वहाँ के लोग protest करने लगे और इस protest को नाम दिया गया Blossom Everywhere campaign। लोग सड़कों पर उतर आए, लोग protest करने लगे कि नहीं चाइना जो है धीरे धीरे जो उसने promise किया था, जो उसने commitment किया था, आप इस article का नाम ही देखिए broken pledge, तो यानी किसने जो pledge किया था, जो commitment किया था उसको वो break कर रहा है। अब इस तरह के लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनको दबाने के लिए चाइना, मेनलैंड चाइना लॉ लेकर के आए, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। नेशनल सिक्योरिटी लॉ के हिसाब से जो भी इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है उसको जेल भेज दो, उसको हार्श पनिशमेंट दो। इस कारण से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, दुनिया के कई सारे देश
चाइना को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करने लगे। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ने तो डायरेक्ट क्रिटिसाइज किया है, यूएस ने तो एक कानून भी पास किया है चाइना को थ्रेटन करने के लिए ऑन हांगकांग इशू। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने अभी तक कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है ऑन चाइना ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। क्यों इंडिया कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट रिलीज नहीं करता है ऑन हांगकांग? चाइना हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, बट अभी भी इंडिया कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लेता है ऑन हांगकांग। कई सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडिया को स्टेटमेंट देना चाहिए, चाइना इससे प्रेशर में आएगा कि चाइना हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी को हैम्पर कर रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट अगर इंडिया देगा तो चाइना विल बी ऑन बैक फुट। लेकिन इंडिया के अपने कुछ कंपल्सन्स हैं, सम जियो स्ट्रैटेजिक कंपल्सन्स। वी शेयर ए लॉन्ग बॉर्डर विद चाइना जो ऑस्ट्रेलिया या यूएस या यूरोपियन यूनियन नहीं करते, तो उनके ऊपर ये खतरा नहीं है डायरेक्ट अग्रेशन का। लेकिन हम लंबी वी शेयर ए लॉन्ग बाउंड्री विद चाइना, सो इफ वी मेक सम रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, और अगर वो बैकफायर कर गया तो देयर विल बी अग्रेशन, देयर विल बी इनकर्सन ऑन द बॉर्डर, जो हम नहीं चाहते। दूसरा, अगर हम हांगकांग की बात उठाएंगे तो चाइना कश्मीर इशू उठाएगा अलग अलग फोरम्स में, दैट वी डोंट वांट, एंड दैट इज व्हाई इंडिया सो फार हैज केप्ट साइलेंस, स्ट्रैटेजिक साइलेंस ऑन दिस हांगकांग इशू। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले आर्बिट्रेशन या मेडिएशन का मतलब समझते हैं, तब इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझेंगे। देखिए, अगर दो पार्टी, दो कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए कोई एक विदेशी कंपनी एबीसी, कोई इंडियन कंपनी एक्सवाईजेड, या कोई दो इंडियन कंपनी है एबीसी एक्सवाईजेड, और इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर कहां जाएंगे ये लोग इस कॉमर्शियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए? दे विल गो टू द कोर्ट, इंडिया के अंदर कोर्ट को जाएंगे। लेकिन आपको तो पता है कि हमारे कोर्ट में क्या होता है, 5-5 साल, 10-10 सालों तक केसेस चलते रहते हैं, और अगर कोई कॉमर्शियल केस 10 साल तक चलता रहेगा तो उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा भाई। किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, प्रोजेक्ट होते हैं हार्डली 2-3 साल के, उस प्रोजेक्ट का केस चलेगा 10 साल तक, तो विल इट मेक एनी सेंस? नो। सो कॉमर्शियल केसेस शुड बी डिसॉल्वड और रिजॉल्वड इन अ टाइम बाउंड फैशन, लेकिन ऐसा हमारे कोर्ट्स में हो नहीं पाता है। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया आर्बिट्रेशन या मेडिएशन का। वैसे आर्बिट्रेशन मेडिएशन का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, पूरी दुनिया भर में प्रैक्टिस होता है। इंडिया के अंदर भी, इंडिया के कोर्ट या जुडिशियल सिस्टम से बचने के लिए देयर हैज बीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। इसमें होता क्या है कि ये जो दो कंपनियां हैं एबीसी और एक्सवाईजेड, ये आपस में ही पहले एग्रीमेंट कर लेती हैं। जब ये पहले ये कोई डील साइन कर रहे हैं, उसी टाइम में आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे कि देखो अगर कोई डिस्प्यूट हो गया फ्यूचर में तो वी विल नॉट गो टू द कोर्ट, वी विल रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन और मेडिएशन। तो पहले ही एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि वी विल नॉट गो टू द कोर्ट। जब ये आपस में डील साइन होती है, आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले दो कंपनियां आपस में अग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उस अग्रीमेंट में पहले ही इस तरह का लिख सकते हैं कि अगर कोई फ्यूचर में कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो गया तो वी विल नॉट गो टू द कोर्ट, वी विल गो फॉर आर्बिट्रेशन और मेडिएशन। अब आर्बिट्रेशन या मेडिएशन में होता क्या है? दे विल नॉट गो टू कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में तो 5-10 साल केसेस चलेंगे। दे विल अपॉइंट अ थर्ड पार्टी, भाई ये एक्स वाई जेड कंपनी है, एबीसी कंपनी, इनके बीच में हो गया डिस्प्यूट, पहले से इन्होंने डील में साइन लिख करके रखा हुआ था, साइन करके रखा था कि अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया तो वी विल गो फॉर आर्बिट्रेशन और मेडिएशन। क्या होता है आर्बिट्रेशन या मेडिएशन में? दे विल अपॉइंट अ थर्ड पार्टी, कोई भी एक लीगल एक्सपर्ट या किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, किसी 4 लोगों की टीम को अपॉइंट कर देंगे जो लीगल एक्सपर्ट हो, जो न्यूट्रल भी हो, इस तरह के एक थर्ड पार्टी को अलग अपॉइंट कर देंगे। अब थर्ड पार्टी का जो भी डिसीजन है, इफ इट इज बाइंडिंग, कि मतलब इसने जो भी फैसला दिया कि ये डील एक्स वाई जेड के फेवर में जाना चाहिए या एबीसी के फेवर में जाना चाहिए, अगर वो डिसीजन बाइंडिंग है देन इट विल बी नोन एज आर्बिट्रेशन, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज आर्बिट्रेशन। अगर ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब बोथ साइड्स कीप राइट टू रिजेक्ट द ओपिनियन ऑफ द थर्ड पार्टी, देन दैट प्रोसेस विल बी नोन एज मेडिएशन। और ये जो दो पार्टी हैं एक्स वाई जेड और एबीसी, ये आपस में जब डील साइन करते हैं तो स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं उस डील के अंदर, उस अग्रीमेंट कॉपी के अंदर, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वी विल गो टू अ थर्ड पार्टी, वी विल नॉट गो टू द कोर्ट, और उस थर्ड पार्टी का डिसीजन फाइनल होगा
अगर ऐसा लिख दिया मतलब दे आर राइटिंग कि वी विल गो फॉर आर्बिट्रेशन। अगर वो इस डील में ये लिखते हैं अग्रीमेंट में कि वी विल गो टू अ थर्ड पार्टी बट द डिसीजन ऑफ थर्ड पार्टी विल नॉट बी फाइनल, नॉट बी बाइंडिंग ऑन ईच अदर एंड आफ्टर दैट वी मे गो टू द कोर्ट एज वेल, देन दैट मीन्स दे आर सेइंग कि दे विल गो फॉर मेडिएशन इफ देयर इज एनी कॉमर्शियल डिस्प्यूट। तो दैट इज द मीनिंग, वो साफ साफ अग्रीमेंट पे लिखा रहता है कि इफ देयर इज एनी कॉमर्शियल डिस्प्यूट वी विल गो फॉर आर्बिट्रेशन और इफ देयर इज एनी कॉमर्शियल डिस्प्यूट वी विल गो फॉर मेडिएशन, वो लिखा रहता है। मेडिएशन मतलब जो ये कह रहा है, कोई जरूरी नहीं कि लोग माने ही, इसके बाद भी ये कह सकता है कि आई विल सू यू इन द कोर्ट, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन है तो मतलब इसको मानना पड़ेगा जो भी थर्ड पार्टी का डिसीजन है। आर्बिट्रेशन और मेडिएशन के बीच का डिटेल डिफरेंस मैंने यहाँ पे दे रखा है, यू कैन रीड इट एंड नोट इन डिटेल, लेकिन मोटा मोटा मुद्दा इतना ही है। अगर आप इसको जान गए तो और ज़्यादा डिटेल में कुछ खास पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं, करंट न्यूज़ काफ़ी छोटा है। देखिए गुजरात के अंदर एक गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, उसने एक एग्रीमेंट या MOU साइन किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के साथ टू सेटअप अ मैरीटाइम, गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर। गिफ्ट सिटी के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में अग्रीमेंट साइन करके एक वहां पे इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर खोलने की बात की है। तो अगले साल तक इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर खुल जाएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर का पर्पस ये होगा कि ओशन के अंदर शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका आर्बिट्रेशन या मेडिएशन सर्विसेज इस सेंटर में प्रोवाइड किया जाएगा। दिक्कत क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे तो हमारे देश में 35 आर्बिट्रेशन सेंटर हैं हमारे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे, लेकिन स्पेसिफिकली मैरीटाइम सेक्टर को डील करने के लिए, मैरीटाइम सेक्टर के अंदर डिस्प्यूट्स को डील करने के लिए कोई भी आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं है। ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर खोला जा रहा है गिफ्ट सिटी में गुजरात के, दिस विल डील स्पेसिफिकली विथ मैरीटाइम डिस्प्यूट इन और बिलोंगिंग टू शिपिंग इंडस्ट्री या शिपिंग सेक्टर। और ये नाम भले है इसका गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, बट इट विल प्रोवाइड बोथ आर्बिट्रेशन एज वेल एज मेडिएशन फैसिलिटी। तो अगर दो पार्टी के बीच में अग्रीमेंट में लिखा है कि ये मेडिएशन होगा तो इट विल प्रोवाइड मेडिएशन सर्विसेज, तो मतलब सीधी बात है ये अग्रीमेंट करके ये इस तरह का थर्ड पार्टी सेंटर खोलने की बात की गई है गुजरात के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, तो जरा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है क्या। देखिए हमारा देश इंडिया, यहाँ पे वैसे तो कई सारे कॉरपोरेट्स हैं, लेकिन कॉरपोरेट्स को जब पैसों की जरूरत होती है बोरोइंग करने की, तो हमारे देश के अंदर कोई बढ़िया मार्केट नहीं है, बॉन्ड मार्केट नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, फाइनेंशियल सेंटर्स नहीं है कॉरपोरेट्स को बोरो लोन देने के लिए। दुनिया के कुछ गिने चुने ही फाइनेंशियल सेंटर्स हैं जैसे लंदन के, हांगकांग के, सिंगापुर के, जहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटरनेशनल बैंक्स वहाँ पे वो ऑपरेशनल हैं। तो चूंकि हमारे देश में अगर कॉरपोरेट्स को पैसों की जरूरत पड़ जाएगी तो दे नीड टू गो टू कॉरपोरेट्स और द इंटरनेशनल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑफ लंदन, हांगकांग, सिंगापुर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जब हमें कॉर्पोरेट्स को जरूरत पड़ती है तो हमारे कॉर्पोरेट्स दुनिया के अलग अलग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स में जाते हैं, इनका ध्यान रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने देश में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोल दें। और इस तरह से फिर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोला गया गुजरात के गिफ्ट सिटी में। तो अब गुजरात के गिफ्ट सिटी में कोशिश क्या की जा रही है कि दुनिया के जो भी टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह हैं जो कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म फंडिंग करते हैं, उनका एक ऑफिस यहां भी खुलवाया जाए। तो सरल शब्दों में बिल्कुल कहा जाए तो हमारा जो गुजरात का गिफ्ट सिटी है उसको हम लोग लंदन, हांगकांग या सिंगापुर जैसा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट शुड बिकम एज ए ग्लोबल प्लेस फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। और इसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो गिफ्ट सिटी में खोला जा रहा है, इस सर्विस सेंटर को रन करने के लिए सरकार ने एक अथॉरिटी बनाई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, और उसी अथॉरिटी ने अभी फैसला लिया है कि यहाँ पे एक मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर भी खोला जाएगा। Please attempt this question based on this particular topic and you can submit the answer in the comment section. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about India's first aircraft carrier. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्ट सी बर्ड के बारे में। देखिए
प्रोजेक्ट सी बर्ड हमारा देश का सबसे बड़ा नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें एक नेवल बेस बनाया जा रहा है इन कारवार रीजन ऑफ कर्नाटका। इनफैक्ट अगर ये नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार हो जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन जाएगा। इसके अंदर ओवरऑल $3 बिलियन इंडिया खर्च कर रहा है। इसका पहला फेज 2005 में ही कंप्लीट हो गया था, दूसरा फेज कंप्लीट होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। करंट न्यूज इसी सी बर्ड से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट सी बर्ड से। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कारवार रीजन का अभी विजिट किया इन ऑर्डर टू ओवरसी द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड का प्रोग्रेस देखने के लिए वो कारवार रीजन को उन्होंने विजिट किया इन कर्नाटका। और इस रीजन को विजिट करते टाइम में इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, ध्यान से समझिएगा, कारवार रीजन में सी बर्ड आ रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो तो एक बात है ही है। इस दौरान उन्होंने एक बात और कही कि हमारा पहला इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनस एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत अगले साल तक तैयार हो जाएगा और इंडियन नेवी में उसको इंडक्ट करा दिया जाएगा, ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो मतलब यह है कि प्रोजेक्ट सीबर्ड के अलावा एक और बात अब समझनी है हमें INS विक्रांत के बारे में, जो हमारे देश का पहला इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या चीज होती है, तब आएंगे INS विक्रांत पे। देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर, अब आप इसको देख के अब समझ जाएंगे क्या होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो बेस है, इसको कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। इसमें कैसा है, ये ओशन के अंदर चलने वाले आप समझिए बहुत लार्ज शिप हैं, जिसके ऊपर इस तरह के एयरक्राफ्ट आप टेक ऑफ भी कर सकते हैं या लैंड भी कर सकते हैं। तो फायदा क्या होता है कि मान लीजिए कि आप चाइना के कोस्ट पे ले जाकर के एयरक्राफ्ट करियर लगा दीजिए और वहां से फिर अपना एयरक्राफ्ट उड़ा करके वहां पे लैंड पे बॉम्बार्डिंग करके अपना वापस एयरक्राफ्ट करियर इस पे आ जाएगा, फिर ये ओशन के रास्ते हुए वापस हमारे देश में आ जाएंगे। क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत लंबे दूरी तक नहीं उड़ सकते ना, फ्यूल खत्म हो जाता है। तो इसको लेकर के शिप की मदद से पहले नजदीक लेकर के जाइए और फिर वहां से एयरक्राफ्ट को उड़ाइए। सो ये एक तरह का शिप होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो इस तरह के एयरक्राफ्ट को लेकर के अपने साथ चलता है, इसीलिए नाम ही है एयरक्राफ्ट कैरियर। अब इंडिया के पास अभी बस इकलौता एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जो फंक्शनल है, उसका नाम है INS विक्रमादित्य। और ये INS विक्रमादित्य भी हमारे देश का बनाया हुआ नहीं है, ये हमने रसिया से लिया है। इंडिया अपने देश में खुद का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है कोची में, और उसका नाम होगा INS विक्रांत, जिसके बारे में अभी डिफेंस मिनिस्टर जी ने बात की है कि INS विक्रांत जो हमारे देश का अपना बनाया हुआ एयरक्राफ्ट करियर होगा, इंडिजीनस एयरक्राफ्ट करियर, ये अगले साल तक तैयार हो जाएगा और इंडियन नेवी के साथ ये ज्वाइन कर लेगा। INS विक्रांत, विक्रमादित्य है हमारे पास लेकिन वो हमारा खुद का नहीं है, हम रसिया से लेकर के आए हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ही हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about poor infrastructure of Guwahati city and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए इस आर्टिकल में गुवाहाटी सिटी के पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। बताया गया कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो कैसे यहाँ पे हालत खराब हो जाती है, मतलब खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ते पॉपुलेशन के कारण द सिटी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ देखिए क्या हालत हो जाती है। ये वीडियो हाल फिलहाल का, 3-4 दिन पहले कोई खास बारिश तो हुई नहीं थी लेकिन देखिए क्या हालत हो गया था। ये वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, देखिए। और मुझे लगता है ये राजगढ़ रोड का हालत है, तो गुवाहाटी के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ऐसी हालत हो जाती है थोड़ी सी बारिश होने के बाद। तो मुद्दा ये है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्वाइट पुअर, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है इसके लिए दो रैंकिंग जो हाल फिलहाल में पब्लिश की गई है, दैट इज बेस्ट इंडिकेटर अबाउट पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गुवाहाटी सिटी। दो रैंकिंग, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग एंड म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग, दोनों रैंकिंग में साफ साफ पता चलता है कि हमारे गुवाहाटी सिटी का परफॉर्मेंस कितना खराब है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग की बात की जाए, पब्लिश्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग में किसी भी शहर के अंदर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर किया जाता है और ओवरऑल जो भी प्रोविजंस लिए गए हैं, प्रोग्राम्स लाए गए हैं जैसे स्मार्ट सिटी मिशन वगैरह, उससे क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेज आए हैं उसको ध्यान में देखते हुए रैंकिंग दी जाती है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग हाल फिलहाल में मार्च महीने में 2021 में पब्लिश हुआ फॉर ईयर 2020, और 1 मिलियन प्लस कैटेगरी वाले सिटीज़ में गुवाहाटी वाज रैंक्ड 46 आउट ऑफ 49 सिटीज़,
वैसे ही अगर म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग की बात की जाए, अगेन पब्लिश्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसमें 1 मिलियन प्लस कैटेगरी वाले और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में गुवाहाटी वाज रैंक्ड 51 आउट ऑफ 51 कैंडिडेट्स। मतलब 51 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने पार्टिसिपेट किया था म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में और गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आखिरी आया है 51 आउट ऑफ 51 कंटेंडर्स, और गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रैंक था 18.14। इंदौर वाज बेस्ट परफॉर्मर, गुवाहाटी वाज वर्स्ट परफॉर्मर, गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज वर्स्ट परफॉर्मर। देखिए, लेकिन अब आपको सुन के लगेगा कि ओह मतलब यहाँ पे सब कुछ खराब है, हम हर तरफ से खराब हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए, बहुत कम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पार्टिसिपेट ही किया था, जो खराब हैं जैसे पटना वगैरह के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उनको पता है कि उनकी क्या हालत होने वाली है। गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने चलिए पार्टिसिपेट करना शुरू तो किया है कम से कम, ठीक है लास्ट आए हैं, आगे से इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वी पार्टिसिपेटेड, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर रैंक्ड एट द बॉटम 51 आउट ऑफ 51 पार्टिसिपेंट्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। दूसरा आर्टिकल भी आसाम से रिलेटेड है, इट इज़ अबाउट गोल्डन वीजा ऑफ यूएई। तो देखिए, गोल्डन वीजा कैसा है, यूएई सरकार ने एक नया वीजा सिस्टम शुरू किया जिसका नाम है गोल्डन वीजा। ये गोल्डन वीजा इज अ लॉन्ग टर्म वीजा, 5 साल 10 साल का वीजा दिया जाता है, यूएई सरकार देती है, लेकिन ये सब लोगों को नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को मिलता है जो यूएई के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, उनको लॉन्ग टर्म वीजा 5-5 साल 10-10 साल का वीजा दे देती है, जिसको गोल्डन वीजा कहा गया। जो मान लीजिए कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्वेस्टर है, एंटरप्रेनर है, कोई इंडिविजुअल है विथ आउटस्टैंडिंग टैलेंट, मेडिकल प्रोफेशनल है, रिसर्चर, इस तरह के लोग जो यूएई को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वैसे लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा देना शुरू किया यूएई ने, जिसका नाम दिया गया है गोल्डन वीजा। यह हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आसाम के एनआरआई एंटरप्रेनर जो यूएई में अब रहते हैं, वेदांता बरुआ को गोल्डन वीजा दिया है यूएई ने, एंड ही विथ दिस हैज बिकम द फर्स्ट एसएमईज टू रिसीव यूएई 10-ईयर गोल्डन वीजा। हो सकता है एपीएससी में आपसे पूछ ले, इस तरह का सवाल बन सकता है कि गोल्डन वीजा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये यूपीएससी में बन सकता है, एपीएससी में सवाल बन सकता है कि कौन सा ऐसा पहला इंसान है आसाम का जिसको यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है, तो आंसर विल बी वेदांता बरुआ इज एन एंटरप्रेनर, काफ़ी सालों से 2006 से ही ये यूएई में रह रहे हैं और वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, अब इनको लॉन्ग टर्म वीजा वहाँ का मिल चुका है, दो ही इज एन इंडियन एनआरआई बट लिविंग इन यूएई सिंस लॉन्ग। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग यूपीएससी टू विल कवर टॉपिक नंबर 356 to 360। टॉपिक नंबर 356 अबाउट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज फॉर्मुलेटेड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा कि हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बनाएंगे इन लाइन विथ आवर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का कैसा काम होगा, ये हमारा एक हेल्थ आईडी कार्ड बनाएगा, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे एक हेल्थ आईडी कार्ड बनाएगा, जिसमें सारे डिटेल्स होंगे कि हमारे कौन कौन सी अभी तक हमारा ट्रीटमेंट हुआ है, कौन डॉक्टर रहा है, क्या उसमें रिपोर्ट आए हैं, ऑल थिंग्स विल बी इंटीग्रेटेड विद दिस आवर हेल्थ आईडी। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ आवर हेल्थ इंफॉर्मेशन विल बी डन अंडर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, दिस स्कीम विल बी ब्रॉट अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। This National Health Authority is an attached office to the Ministry of Health and Family Welfare, which will function in autonomous manner. This National Health Authority will be governed by a governing body chaired by Minister of Union Ministry for Health and Family Welfare. Please attempt this question based on topic number 356. Topic number 357 is about Chapare hemorrhagic fever. It is caused by same arena virus family that is responsible for Ebola virus disease. The virus is named Chapare after a province Chapare in Bolivia, जहाँ से ये बीमारी पहली बार शुरू हुई है। इसमें इबोला जैसे ही abdominal pain, vomiting, bleeding gums, skin rashes देखे जा सकते हैं। Please attend this question based on topic number 357. Topic number 358 is about inflation indexed bond. These bonds provides protection against IIB bonds provides protection only principal and not in interest payment against inflation. Globally, IIBs were issued in 1981 by UK government. Later on, it was issued by Indian government through RBI also.
in June 2013? Please attempt this question based on topic number 358. Topic number 359 is about state development loans. तो जिस तरह से central government loan लेती है dated security release करके, वैसे ही state government भी loan ले सकती है state development loan, जिसको कहते हैं by releasing dated security of the state government. Interest is paid half yearly while principal amount is paid on the date of maturity. Like dated security of the central government SDL is released by the state government. And they are also eligible for collaterals for borrowing through market repo rate as well as borrowing by eligible entities from RBI under liquidity adjustment facility. And they are also counted as SLR. SLR के लिए उनको काउंट किया जाता है स्टेट डेवलपमेंटल लोन को बोरो करने के लेने के लिए. जो डेटेड सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट रिलीज करती है, बैंक्स अगर उसको रखे तो उसको भी SLR में काउंट किया जाता है. टॉपिक 360 इज अबाउट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर जनरली लोकेटेड इन अर्बन एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज. टिल 1996 दे वर अलाउड टू लेंड ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, लेकिन अब ये कंडीशन हटा दिया गया है. अर्बन कोऑपरेशन बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले तक देवर अंडर ड्यूअल कंट्रोल फॉर सम फ्यू थिंग्स. फ्यू रेगुलेशंस वेयर ब्रॉट बाय आरबीआई, अदर रेगुलेशंस वेयर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. इस कारण से कई सारे करप्शन के केसेज, इनफिशियंसी के केसेज आते थे. अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाके आरबीआई ने पूरा का पूरा रेगुलेशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अपने हाथ में ले लिया है. उसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ डिपोजिट इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर्स. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 360. This is the answer of question number 351 to 355 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने practice question दिया था उसका answer देख लेते हैं. Tax without border is launched by World Economic Forum? No, it is by OECD and UNDP. Recently, India has collaborated with Bhutan, not Nepal. So the second statement is also wrong. Correct answer is option D. Green hydrogen is environment friendly. And green in color, this is wrong. It's not green in color, it's colorless. Gray hydrogen is environmental damaging compared to blue and green hydrogen. Absolutely correct. Correct answer is option B, 2 only. Johar rice. GI tag from Assam, absolutely correct. It's a winter rice, also known as soli rice, also correct. But it is a non-basmati type rice. So third statement is wrong. Correct answer is option C, 1 and 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.